हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद शास्त्री आपके अपने चैनल डॉक्टर स्लैब पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको NSAID ग्रुप के एक टॉप ब्रांड के बारे में बताऊंगा, जिसे आप लोग सुमो के नाम से जानते हैं। सुमो एक ऐसा ब्रांड है जो दर्द और बुखार में काम करता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको आज इसके यूजेज, साइड इफेक्ट्स, बेनिफिट्स तथा इसके डोज के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आपको एक खास टिप्स दूंगा कि शराब पीने के बाद इसे क्यों नहीं लेना चाहिए, गर्भवती महिला इसे क्यों नहीं लेना चाहिए और स्तनपान कराने वाली महिला को कैसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के आखिर में दी जाएगी। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सुमो टैबलेट को एल्केम लेबोरेटरीज नामक कंपनी बनाती है, जो कि 15 टैबलेट के पैकेजिंग में आता है। यानी कि अगर एक स्ट्रिप की बात की जाए तो उसमें 15 टैबलेट आते हैं तथा इसकी MRP ₹136 है। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसमें निमुसलाइड तथा पैरासीटामोल मिलाया गया है। निमुसलाइड इसमें 100 mg तथा पैरासीटामोल इसमें 325 mg है। हम वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी अगर आपका BP हाई रहता हो और आपके पेट में कभी अल्सर हो या ब्लीडिंग हो रही हो या आपको कभी कभी भी हार्ट या किडनी का डिजीज रहा हो, यानी आपके किडनी में कोई दिक्कत है या आपके हार्ट में कोई दिक्कत है, तो इस दवा को लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के इस दवा को लेने से बचना चाहिए। दोस्तों, अब हम इसके उपयोग तथा साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि इसका उपयोग क्या है तथा इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसे शराब के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं आपकी बॉडी को। चूँकि सुमो एक निमुसलाइड तथा पैरासीटामोल से मिश्रित दवा है जो कि दर्द और बुखार से राहत पाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मांसपेशियों में दर्द, पीठ में दर्द, कंधे में दर्द, कान में दर्द या गले में दर्द हो या फिर आपके घुटने में दर्द हो यानी पैर में दर्द हो, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्पोंडाइलाइटिस तथा एंकिलोसिंग से होने वाले दर्द के लिए भी किया जाता है तथा सुमो का उपयोग बॉडी में होने वाले दर्द तथा बुखार में काफ़ी उपयोगी माना गया है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत घातक हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। आइए हम वीडियो में अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं आपको सुमो के बारे में कुछ खास टिप्स दूंगा जिससे आपको लीवर के नुकसान से बचाया जा सकता है। सबसे पहले हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला है जिम चलाना, यानी आपको इस गोली लेने के बाद जिम चला सकता है। दूसरा है वोमिटिंग होना, आपको उल्टी आ सकती है। और तीसरा है दस्त होना यानी डायरिया होना, आपको लगातार दस्त हो सकता है। और चौथा है लीवर में एंजाइम का बढ़ जाना। अगर आप लगातार ज़्यादा समय तक इस दवा को लेंगे तो आपके लीवर में एंजाइम बढ़ सकता है। अब मैं आपको एक खास टिप देने वाला हूँ जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने शराब पी रखी हो तो इस दवा को लेने से बचना चाहिए, या आप शराब पीने वाले हैं तो भी इस दवा को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शराब के साथ रिएक्शन करके बॉडी को सुस्त कर देता है तथा यह आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप गर्भवती महिला हैं या स्तनपान कराने वाली महिला हैं तो भी आपको इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, नहीं तो यह आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है।